हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज का जो टॉपिक है हम जो स्टार्ट करेंगे वो है जुडिशियल रिव्यू। लेकिन उससे पहले फिल्म्स रिवीजन कार्निवल यूपीएससी सीएससी 2020 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हमारे यहाँ स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल हो रहा है जो 5 सितंबर 2020 से हो रहा है। और यहाँ पे आपको 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस अवेलेबल है, तो आप आके इसमें एनरोल कर सकते हो या फिर आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको क्लासेस देखनी कि हमारे यहाँ अनअकैडमी की क्लासेस कैसी चल रही है। उसके बाद अनअकैडमी यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 भी स्टार्ट हो चुकी है, जो ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेगा यूपीएससी सीएससी फिल्म्स 2020-2021 पेपर 1 जेएस। आपको एक चांस ही मिलेगा कि आप यूपीएससी सीएससी 2019 टॉपर से मिल सकते हो अनअकैडमी के एजुकेटर से, और आपको इसके साथ सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप भी मिलेगा। अब ये जो टेस्ट जो कंडक्ट होगा वो 30 अगस्त, 6 सितंबर, 13 सितंबर, 20 सितंबर, 27 सितंबर होगा। तो आपको एनरोल करना है इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो। उसके बाद हमें पता है कि नेक्स्ट मंथ हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और हमने ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है, बट अगर हमें अपने स्किल्स ब्रश अप करने हैं और थोड़े कॉन्सेप्ट रिविजन करने हैं तो आप यूपीएससी सीएससी 2020 अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। और इस वन सब्सक्रिप्शन के साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे आप घर से कर सकते पढ़ सकते हो, आपको अनलिमिटेड एक्सेस है सारे रिसोर्सेज में, टॉप एजुकेटर्स हैं, फुल सिलेबस कवरेज है, डबल डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, लाइव टेस्ट सीरीज के साथ साथ मिलेगी आपको। आपको सारा जो मटेरियल है सब आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, आंसर राइटिंग सेशंस होंगे और आपको मेंटरशिप और गाइडेंस के अंडर जो हमारे जो अनअकैडमी के हैं मेंटर्स वही देंगे आपको। उसके बाद एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन का, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर्ड बैचेस है जो सारे टॉप एजुकेटर्स के साथ है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में 2 ईयर और लेट नाइट कोर्सेज हैं, बैचेस हैं, 100% सिलेबस कवरेज है, बहुत सारे ऑप्शनल्स है, प्रीलिम्स और मेन टेस्ट सीरीज है, डबल डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, करंट अफेयर्स प्रैक्टिस है, एसे और आंसर राइटिंग, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है इंटरव्यू प्रिपरेशन, जो हम अपनी स्टडीज के साथ भूल जाते हैं या फिर हम उसे इतना फोकस नहीं करते, तो आपको इस पैकेज में वो भी मिलेगा, वो बहुत बड़ा एडवांटेज है आप सबके लिए। अब यूपीएससी कंप्लीट बैच प्रिपरेशन कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं हमारे 7 सितंबर से, और इसमें आपको 3 बैचेस हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है और बायलिंगुअल। इसमें वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको समझाएंगे और बताएंगे, तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल आप उसके लिए एनरोल कर सकते हैं। अगर आप अभी सब्सक्राइब करते हो तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। आपको सिर्फ ये कोड वहाँ पे देना, जैसे यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो आपको ये कोड यहाँ पे नीचे लिखना है और आपको उसके बाद इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब हम आते हैं हमें डेली करंट अफेयर्स ही प्रैक्टिस करने, न्यूज़ अगर हमने पढ़ ली है तो अगर हमें वो प्रैक्टिस करने, जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर वो है 7:30 को, 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स का, 40 मार्क्स, 20 क्वेश्चन, 20 मिनट्स और 40 मार्क्स है। और इसके साथ साथ आपको टेस्ट एनालिसिस भी दिया गया, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से इनकरेक्ट है वो रेड में है और करेक्ट है जो इसमें मार्क हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा आपके कहाँ लूप होल्स है। उसके बाद अगर आपको हमारा ये चैनल बहुत अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और आप ज्वाइन भी कर सकते हो जो यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे या फेसबुक पे। सो लेट्स स्टार्ट विद अ चैप्टर। तो आज के जो हम चैप्टर बात करते हैं वो है जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू की डॉक्ट्रिन है वो हमें पता है, वो इंडियन नहीं है, वो ओरिजिनेट हुए और जो डेवलप हुए वो है यूएसए से हुई है। अब जिसने सबसे पहले ये प्रोपाउंड करा था वो था फेमस केस में जो है, जिसे मैडिसन बोलते हैं, जो 1803 में था, जो जॉन मार्शल के अंडर था, जो तब का चीफ जस्टिस था अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का। अब हम देखते हैं कि इंडिया में ये कैसे आया, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ये जो पावर दी है जुडिशियल रिव्यू को वो सिर्फ जुडिशरी के दिए, जो बोर्ड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है। अब इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिक्लेयर कर सकता है जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू वो क्या है, एक बेसिक फीचर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का और एक एलिमेंट है जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये कोई नहीं हटा सकता जो जुडिशियल रिव्यू, जो पावर हमें जुडिशरी को दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के टाइम। अब जो ये पावर है जुडिशियल रिव्यू वो कभी कर्टेल नहीं हो सकती या एक्सक्लूड नहीं कर सकते हम जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के टाइम है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है कि एक पावर है जुडिशियरी के जो एग्जामिन करती है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को ऑफ लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट को, और जो एग्जीक्यूटिव पावर है जो बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास है। जब ये एग्जामिन होता है तो हमें ये भी पता चलता है कि कौन सा वायलेटिव है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है
और हम जो जुडिशियल रिव्यू से है वो हम वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि क्या इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इनवैलिड है। तो बेसिकली कोई भी लॉ जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करेगा तो वो जुडिशियल के पास जुडिशियल रिव्यू जो पावर है उसे ही डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये नल एंड वॉइड हो सकता है। और इसके बाद हमें ये भी पता है कि इट कैन नॉट बी एनफोर्स बाय एनी गवर्नमेंट। अब हम आते हैं जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादेरी ने, उन्हें ये क्लासिफाई करा था जुडिशियल रिव्यू इंटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी की जो हम बात करते हुए कि जुडिशियल रिव्यू है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, देन जुडिशियल रिव्यूज ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, देन जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऑफ द यूनियन स्टेट एंड अथॉरिटीज अंडर द स्टेट। अब हम सुप्रीम कोर्ट ने जब अपनी जुडिशियल पावर हमने देखी कि बहुत सारे केसेस में यूज करी है, सबसे फेमस केस हम ले सकते हैं गोलकनाथ का ले सकते हैं जो 1967 में था, द नेशनल बैंक नेशनलाइजेशन केस जो 1970 में था, प्रिवी पर्स अबॉलिशन केस जो 1971 में था, केशवनन भारती केस 1973 में, मिनर्वा मिल्स केस 1980 में, और भी सारे केसेस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ये यूनिक पावर यूज करी है जुडिशियल रिव्यू वाली पावर। उसके 2015 में भी सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया जो 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जो 2004 में आया था वो, और जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन था एक्ट था वो भी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वो भी नल एंड वॉइड है। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है वो बेसिकली ये है कि वो कैसे हमारे जो भी लॉज बन रहे हैं और जो भी अमेंडमेंट्स हो रही हैं कि हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ऑल्टर नहीं हो रहा है, तो उनके पास एक स्पेशल पावर दी गई है। और ये जो पावर है हमें पता ही ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, यू है यूएसए से ओरिजिनेट हुई है। इवन तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो है और उनका काफ़ी ब्रॉड है, बट स्टिल हमने कुछ कुछ एलिमेंट्स अपने जुडिशियल रिव्यू में डाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है जुडिशियल रिव्यू का। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है कि ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसके बाद ये मेंटेन करता है फेडरल इक्विलिब्रियम जो बैलेंस है जो बिटवीन स्टेट और सेंटर के बीच में होना चाहिए। और तीसरी ये है कि ये प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स के सिटीजंस के लिए। सो उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे केसेस में हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट करे कि सिग्निफिकेंस क्या है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू बाय कंट्री में, तो कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की है तो हम वो ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। जो पहली ऑब्जर्वेशन है कि इन इंडिया इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज द सुप्रीम एंड द स्टैट्यूटरी लॉ टू बी वैलिड एंड मस्ट बी कंफॉर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स एंड इट इज फॉर द जुडिशरी टू डिसाइड वेदर एनी इनएक्टमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। बेसिकली ये बोल रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा सुप्रीम है, उसके आगे कुछ नहीं है, और जो लॉ है वो बिल्कुल वैलिड है, और सबको अपना बताइए कि कितने सबके पावर्स है और कितने कहाँ पे लॉज बन सकते हैं जो रिक्वायरमेंट्स दी है। और जुडिशरी ये डिसाइड करते हैं कि जो भी इनैक्टमेंट आया है हमारे पार्लियामेंट में जो पास हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, या फिर वो नल एंड वॉइड हो सकता है या नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का देते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंटेन करता है प्रोविजंस की कैसे जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन है जो कन्फर्मिटी है टू विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये स्पेशली है रिगार्ड्स में जैसे फंडामेंटल राइट्स है टू विच द कोर्ट हैज बीन असाइंड द रोल ऑफ सेंटिनेल ऑन द इक्विवेव। इसके बाद एज लॉन्ग एज सम फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट एंड अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज टू बी एक्सरसाइज विद द व्यू टू सी द गारंटीज अफोर्डेड बाय दीज राइट्स आर नॉट कन्फर्म्ड। अब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, अब ये ये सुप्रीम कोर्ट का काम है वो देखने का कि हमारी कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो नहीं ली जा रही है जो पार्लियामेंट में जो भी लॉ पास हो रहा है। उसके बाद इनका एक फंक्शन है द फंक्शन ऑफ जजेस इज मे देयर ड्यूटी प्रोनाउंस टू द वैलिडिटी ऑफ लॉ। उनका फंक्शन है कि बताने कि ये जो लॉ है वो वैलिड है या नहीं है। अब कोर्ट्स जो है उन्हें टोटली डिप्राइव करा है वो पावर दैट फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड विद पीपल विल ऑलवेज बिकम अ मेयर अडॉर्नमेंट बिकॉज द राइट्स विदाउट रेमेडीज आर एज रिट इन वाटर एंड अ कंट्रोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन विल देन बिकम अनकंट्रोल्ड। अब हम अगले पे आते हैं द सुप्रीम कोर्ट लैक्स the permanent law of the land and there is no branch of government above that and every organ of the government be it executive or legislature of judiciary derives its authority from the constitution
and it has to act within the limits of authority, and no one, however highly placed, and no authority, howsoever lofty, can remain, it shall be the sole judge of the extent of its power under the Constitution, whether its actions within the confines of such power laid down by the Constitution. This court is the ultimate interpreter of the Constitution, and to this the court is assigned the delicate task of determining what is the power conferred or of the each branch of the government, and whether it is limited, or if so, what are the limits, and whether any action of that branch transgresses such limit. तो basically ये बोल रहा है बहुत simple कि जो जो court की जो power है वो constitution में बहुत clearly mention है, ये देखने का कि कुछ भी constitution के against नहीं हो रहा है, और जो constitution है वो sole authority है, उससे ही सारी सबकी powers derive होती है. तो basically, और वही जो constitution जो है वो हमें बताएगा कि कैसे क्या होना चाहिए. अब जो कोर्ट का जो काम है वो क्या है कि वो इंटरप्रेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, और सबसे ज्यादा जो डेलिकेट टास्क है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का किसको दिया है, वो कोर्ट को दिया है, और ये काफी ज्यादा लिमिटेड है और विद इन सर्टेन लिमिट्स है. अब द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड टू दिस दे हैव बीन कन्फर्ड विद द पावर टू इंटरप्रेट इट. इट इज दे हु हैव to ensure the balance between the power of constitution is maintained and that the legislature and executive do not in discharge of their function and transgress the constitutional limitation. Now the founding fathers very wisely therefore incorporated in the constitution itself the provision of judicial review as to maintain a balance between the federalism and to protect the rights of fundamental rights of our and the fundamental freedom that has been guaranteed under the constitution for all the citizens. So basically to afford a useful weapon for availability, availment and enjoyment of equality, liberty and all our fundamental freedoms, and it will help to create a healthy nationalism, and therefore the function of judicial review is part of the constitutional interpretation itself. It also adjusts the constitution to meet the new conditions of the needs of the time. अब जो हमारा constitution है वो एक living document भी, हम उसे बोलते हैं, वो हमको पता है क्यों, क्योंकि हमारे जो constitution amend हो सकता है और वो time के हिसाब से change होगा, और जो जो necessity है लोगों की तो उसके according हमें पता चल जाएगा. Then उसके बाद हम आते हैं क्या हमारे constitutional provisions हैं. अब जो फ्रेज है जुडिशियल रिव्यू वो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज करा गया है. अब ये जो प्रोविजंस है वो सेवरल आर्टिकल्स में बहुत ज्यादा बताया गया कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या है सुप्रीम कोर्ट की बहुत एक्सप्लिसिटली, और जो हाई कोर्ट की क्या है. अब हम इसके बारे में बात करते हैं कौन से प्रोविजन. आर्टिकल नंबर 13 जो डिक्लेयर करता है कि जो ऑल द लॉज है द इनकंसिस्टेंट विंड और डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी नल एंड वॉइड. सिंपली क्लियरली बोलता है जो लॉ इनकंसिस्टेंट है और जो डेरोगेशन है सारे फंडामेंटल राइट्स की वो ऑटोमेटिकली क्या है नल एंड वॉइड है, उसका कोई यूज नहीं है. इसके जो आर्टिकल 32 बात करते हैं उसमें जो गारंटीज है जैसे राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट जो एनफोर्समेंट की गई है फंडामेंटल राइट्स में और एम्पावर कराए सुप्रीम कोर्ट को कि ये जो एनफोर्समेंट है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है कि वो एम्पावर करता है, और इस वजह से जो हमारी जो सारे जितने डायरेक्शंस होते हैं वो भी बहुत क्लियरली मेंशन करा गया है हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इजीली. और उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 131 में जो प्रोवाइड करता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का है जो सेंटर स्टेट और जो स्टेट डिस्प्यूट्स के हैं, जो हमने पिछले वीडियोस में ही बात करी थी. जो आर्टिकल 132 है वो प्रोवाइड करता है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन से कॉन्स्टिट्यूशन केसेस में एपिलेक्टिक ज्यूरिसडिक्शन है, देन सेम हियर सिविल केसेस में क्या है, क्रिमिनल केसेस में है, और ये ऑल्सो डील करता है कि एक सर्टिफिकेट है फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम हाई कोर्ट भी मिल सकता है. उसके बाद जो आर्टिकल्स 135 है वो आल्सो एम्पावर
वो ऑल्सो वो ये भी बताता है कि कैसे जो एक्सरसाइज होना चाहिए है ज्यूरिसडिक्शन में, कैसे जो एक्सरसाइज होगा ज्यूरिसडिक्शन में, जो पास है फेडरल कोर्ट की है, जो अंडर एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, और जो आर्टिकल 136 में भी हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट को कैसे एक स्पेशल लॉ के, उन्हें सुप्रीम कोर्ट को कैसे एक स्पेशल वो मिलता है, ग्रांट मिलता है, लीव की अपील कर सकते हैं वो सारे कोर्ट से, एक्सेप्ट जो मिलिट्री ट्रिब्यूनल है और जो कोर्ट मार्शल है। देन उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 143 में, कि 143 ये बताता है कि प्रेसिडेंट क्या सीक कर सकता है ओपिनियन, वो जो सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन होगा जब लॉ ऑफ एक्ट का है, जो एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लीगल मैटर्स पे है। और उसके बाद हम ये बात करते हैं कि जो आर्टिकल 226 है उसमें ये एम्पावर करते हैं कि हाई कोर्ट ने कैसे इशू करे हैं डायरेक्शन और ऑर्डर्स, और जो रिट्स है जो इन्फोर्समेंट है हमारी फंडामेंटल राइट्स को। आर्टिकल 277 में क्लियरली मेंशन है कि जो हाई कोर्ट है उसे पावर दी है सुपरिटेंडेंट की, और जो सारे कोर्ट्स में दी गई है रिस्पेक्टिव टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के अंडर। अब जो आर्टिकल 245 है उसमें ये डील करता है कि टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना है। आर्टिकल 246 में ये बताता है सब्जेक्ट मैटर्स क्या है लॉ के अंदर, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के अंदर। आर्टिकल 251 ये और 254 ये प्रोवाइड करते हैं कि क्या कॉन्फ्लिक्ट है जो बिटवीन सेंट्रल लॉ है स्टेट लॉ है, और सेंट्रल लॉ जैसे प्रिवेल करता है ओवर स्टेट लॉ, और स्टेट लॉ का क्या होता, स्टेट लॉ जो होता है वो वॉइड हो जाता है। उसके बाद ये डील करते कि कैसे कंटिन्यूशन होगी अगर फोर्स में जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज है। अब हम आते हैं कि हमारा जो जुडिशल, हमने अभी बात करी है जितने प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इजीली मेंशन है जुडिशल रिव्यू के ऊपर, अब हम बात करते हैं कि क्या स्कोप है जुडिशल रिव्यू का। अब इसमें जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी हमने जो लेजिस्लेशन को दिए वो बेसिकली ये है कि इनैक्टमेंट होगा और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है जो हम चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में और जो हाई कोर्ट्स में, जैसे 3 राउंड में हम चैलेंज कर सकते हैं, बहुत आसान है। जो पहला है वो है इट इंफ्रिंजेस द फंडामेंटल राइट जो हमारे पार्ट 3 में मेंशन है, और सेकंड है दैट इट इज आउटसाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ अथॉरिटी जो फ्रेम है, और थर्ड है इट इज रिपंजेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब उसके बाद आते हैं ऊपर से देखते हैं इन सबको जितने हमने पढ़े कि क्लियर है कि स्कोप ऑफ जो स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू है वो जो इंडिया में है वो काफ़ी नैरो है, और जो यूएस में काफ़ी ब्रॉड है, जो काफ़ी ज़्यादा मेंशन करा है थ्रू द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन एनी ऑफ प्रोविजंस बिकॉज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगेंस्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ विच इज कंटेन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो इसके हम डिफरेंस के बारे में बात करते हैं वो ये है इन दोनों के बीच में कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो हम बात करते हैं और जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ में, ये डिफरेंस है कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो एक बहुत स्कोप देता है जो सुप्रीम कोर्ट को मिलता है कि वो कैसे ग्रांट कर सकते हैं, जितना प्रोटेक्शन दे सकते हैं वो अपने सिटीजन्स की राइट के। अभी डिक्लेयर कर देता है लॉज एज वायलेटिव ऑफ राइट्स वॉइड एंड वॉइड नॉट ओनली ऑन सब्सटेंटिव ग्राउंड ऑफ बीइंग अनफेयर बट आल्सो प्रोसीजरल ग्राउंड ऑफ बीइंग अनरीजनेबल। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट जो डिटरमाइन करता है वो है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अ लॉ, बट हाउएवर इट ऑल्सो एग्जामिन्स ओनली द सब्सटेंटिव क्वेश्चन वेदर द लॉ विद इन द पावर्स ऑफ अथॉरिटी इज कंसर्न्ड और नॉट। It is not expected to give into question its reasonableness and suitability and policy implication, जैसे हम US में देख सकते हैं। अब उसके बारे में हम बात करते हैं कि जो एक्सरसाइज होता है जैसे वाइट पावर का जो जुडिशियल रिव्यू है जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में है, जो नाम है जो इस नाम में होता है जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जो क्लॉज है वो क्रिटिक्स ने ऑलरेडी डिस्क्राइब करा है कि वो एक थर्ड चैम्बर है ऑफ लेजिस्लेचर और सुपर लेजिस्लेचर, द आर्बिटर ऑफ द सोशल पॉलिसी, और काफी सारे नाम भी। अब जो अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी है वो ऑल्सो रिकोगनाइज करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट है, और नॉट डू वी फुल्ली फॉलो द ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट सुप्रीमेसी। There are also many limitations on the sovereignty of the parliament in our country, like the written character of the constitution, the federalism with the division of powers, the fundamental rights, and the judicial review.
And in effect, what really exists in India is both the synthesis of the American principle of judicial supremacy and the British principle of parliamentary supremacy that goes between, and it makes a fine line between both of them. And we have adopted a midway, so that is suitable for our country. Let's talk about the last topic, that is a judicial review of 9th schedule. Now, Article 31B saves the acts and regulation that has been included in the 9th schedule from being challenged or invalidated on the grounds of contravention of any fundamental rights. And Article 31B, along with the 9th schedule, was also added by the first Constitutional Amendment Act of 1931. So, originally in 1931, as we all know, the 9th schedule contained only 13 acts and regulations. But at present in 2016, we are taking this year 2016, then their number was 282. And 11 of these acts and regulations of the state legislature basically deals with the land reform, the abolition of the zamindari system, and that of the parliament deals with the other matter. However, if you look in a significant judgment that has been delivered in I.R. Goel case in 2007, we can see that the Supreme Court ruled that there could not be any blanket immunity from judicial review of laws, including in the 9th schedule. Now, the court also held that the judicial review is basically a basic feature of a constitution and it cannot be taken away by putting a law under the 9th schedule. It was also on April 24 in 1973 that we can see the Supreme Court first propounded the doctrine of basic structure or the basic features of the constitution as a landmark verdict in the Keshavanand Bharti case. So you can underline this point with red pen or with any pen to highlight, because this is really important. And on April 24, 1973, the Supreme Court gave a historical judgment about the verdict that has been doctrine on basic structure and features that we're talking about a constitution in the Keshavanand Bharti case. Now, all the above judgment and Supreme Court follow that we can make some conclusions from them. The first one, that the law that abrogates and or abridges the rights guaranteed by Part 3 of the Constitution may violate the basic structure doctrine or it may not. If the former consequence of the law, whether an amendment of an article of Part 3 or an insertion in the 9th schedule by such law will have to be invalidated in the exercise to judicial review power of the court. The second we can make observation from here is that the majority of judgment in the Keshavanand Bharti case, we can easily read that with Indira Gandhi case, requires the validity of a new constitutional amendment to be judged on its own merit. The actual effect and the impact of the law of the rights can be guaranteed under the Part 3 has to be taken into account for determining whether or not it destroys the basic structure. The impact test would determine the validity of the challenge. Now, the third observation is that all the amendments of the Constitution made on or after April 1973 with the 9th schedule is amended by inclusion of various laws therein shall have to be tested on the touchstone of basic or essential feature of the Constitution are reflected in Article number 21 to be read with Article number 14 and 19 with the principles that are underlined them. Now, we can also talk about the justification by conferring the protection and not a blanket protection on the laws. That included that in the 9th schedule by the constitutional amendment should also have the matters of the constitutional adjudication by examining the nature or the extent of infraction of a fundamental rights by a statute. And it sought to be a constitutionally protected and on the touchstone of the basic structure of a doctrine that has been reflected in Article number 21 clearly with the Article number 14 and 19, that is the application with the rights test and the essential of rights test, taking with the synoptic view of the articles of Part 3 that has been held in the case of Indira Gandhi case we can talk about. Now let's come on to the second two judgment that we can talk. So, if the validity of any 9th schedule of law has already been upheld in the court, it would not be open to challenge by such law again on the principle that has been declared by this judgment. However, if a law held
टू बी वायलेटिव ऑफ एनी राइट्स इन द पार्ट थ्री इज सब्सिक्वेंटली इनकॉर्पोरेटेड इन द नाइन्थ शेड्यूल आफ्टर द 24th अप्रैल 1917 सच एज वायलेशन ऑन इंफ्रैक्शन shall open to challenge on the ground that it destroys and damages the basic structure as we have indicated in article number 21 that needs to be read with the article number 14 and 19 and the principles that are underlying them. Now the action taken and the actions taken and the transaction finalized as a result of the acts shall not be open to any challenges. Now let's talk about the judgment that was made before 1973 were that the first amendment that we can talk about in 1951. So the number of acts and regulations were included in the ninth schedule were from 13 from 1 to 13. The fourth amendment that we can talk about was from 1955 and seven were added, number of acts were added in the seventh amendment act that was made in 1964. We had 44 amendment that was made, 44 number of acts, and in the 29th also in 1972 we had two. Now after we have all included after April 24 in 1973 we have 34 amendment, 39 amendment, 40th amendment, 42nd amendment, 76 and 78th amendments also that was taking place in last 1995. So this is all that we have done in Lakshmikant. So if you really like my video, you can like, subscribe and share. Thank you.